बैतूल लोकसभा क्षेत्र के सांसद आदर्श ग्राम कान्हावाड़ी में नदी पार कर मतदान करने मतदाता पहुंच रहे हैं। बता दें कि कान्हावाड़ी ग्राम पंचायत में चुनाव को लेकर ग्रामीणों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्रामीण नदी पर पुल नहीं होने के बावजूद नदी पार कर मतदान केंद्र तक मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय का सड़क पानी सहित मूलभूत सुविधाओं को लेकर कई गांव वाले चुनाव का बहिष्कार करते हैं, लेकिन हम एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने के लिए नदी पार कर वोट डालने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बैतूल सांसद और भाजपा प्रत्याशी डीडी उइके ने घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र के कान्हावाड़ी ग्राम पंचायत को गोद लिया है। ग्रामीण महिला ममता सिरासाम ने बताया कि हम नदी पार कर वोट डालने जा रहे हैं और वोट डालने से हमारे गांव में सुधार होगा। हम एक अच्छा सांसद चुनेंगे जिससे हमारे क्षेत्र में विकास होगा। नदी पार करके अभी तो फिलहाल में हम वोटिंग करने जा रहे हैं जी, लेकिन अभी समस्या इसकी आती है, नदी बाढ़ अगर आ जाती, पानी थोड़ा बहुत आ जाता है तो नदी पार करना मुश्किल हो जाता है। हम लोग कभी हमारे मोहल्ले में दो मोहल्ले आते हैं इधर, तो हमारे मोहल्ले में अगर कोई डिलीवरी पेशेंट है या फिर कोई मरीज है तो उनको ले जाने में बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। एम्बुलेंस तो सर नहीं आ पाती है, रोड तक आ पाएगी। मरीजों को कम से कम हमको 2 किलोमीटर के अंदर में भी आ सकता है, थोड़ा सा आगे भी। हाँ, हमारे गांव में सुधार होगा करके हम वोट डालने जा रहे हैं, तो सरपंच जिन भी हमारे गांव का सुधार नहीं कर रहे, हमारे आने जाने का परेशान होता है, हमारे बच्चे उनको परेशान होते हैं स्कूल जाने के लिए, बच्चे उनको हम किधर से ले जाएंगे। बारिश में क्या होता है, बारिश में हमारे बाजार जाने को भी दिक्कत है, हमारे कहीं अगर बोलो तो बीमार पड़ गए वहाँ जाने के लिए भी दिक्कत है, हमारे हॉस्पिटल में गाड़ी आने जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है।